ये भी किसी ट्रैकिंग से कम नहीं है। खाने के लिए जाएंगे कैसे, ये तो पूरा ऐसा फील्ड है। अच्छा ठीक है, तो आएंगे कैसे? हो जाते अरे हो जाते, और तो क्यों हो भाई। यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा है काफल की, भाई ने सबसे ज़्यादा टीपे हुए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हम फाइनली जा रहे हैं काफल लेने के लिए, तो चलता हूँ दोस्तों आगे जहाँ पे सब एक साथ मिलेंगे हमें पंचायती घर में। देखिए मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे पीछे पीछे क्या है? ना 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 देखिए, तू कहाँ पीछे पीछे आ रहा है, जा ना ना ना। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सारे दोस्त लोग आ गए हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ पीछे बैठने आएंगे और कुछ मेरी बाइक में चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पीछे ताल पे पहुँचे हम, यहाँ से बाकी सारे लोग आगे चले गए और हम पीछे रह गए। तो चलते हैं आगे। और पीछे मैंने एक अंकल जी देखे जो साइकिल पे, काफ़ी बूढ़े हैं, जो साइकिल पे पूरा इंडिया घूम रहे हैं। कितने खतरनाक लोग हैं यार। मिल गए ऊपर टॉप पे। तो आज तो काफ़ी लेकर आने दोस्तों, चाहे कैसे भी हों। दो चार दिन से बारिश भी आ रही थी लगातार, तो हो सकता है झड़ भी गए हों, देखते हैं जैसी किस्मत रहती है। यहाँ से व्यू देखो, यही रोड आगे ना ग्वालदम जा रही है, और मैंने बाबा जी को इधर देखा था कहीं, यहीं कहीं होंगे। तो चलते हैं ऊपर, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है दोस्तों इधर, ये देख सकते हो। जंगलों का रास्ता होता ही ऐसा है। यहाँ पे देखो दोस्तों कैसा रास्ता है। इस वाले जंगल में दोस्तों पहली बार आ रहा हूँ मैं भी। तो दोस्तों आगे बिट्टू फिसलने आ रहा था, उसने बोला आराम से आओ, यहाँ फिसलन भी है। फिसलन तो होगी ना यहाँ पे, ये चीड़ जो गिरा हुआ है, फिरोल गिरा हुआ है। ओहो दोस्तों एक बार रास्ता चेकआउट करो, ये भी किसी ट्रैकिंग से कम नहीं है। चलो आगे चलता हूँ दोस्तों, तब तक मैं, सब आगे हैं, सबसे पीछे मैं हूँ। तो दोस्तों ये चीड़ के पेड़ हैं जिनमें काट के देखो ऐसा बना रखा है, कोलतार जो बनता है ना जिससे रोड बनती है उसमें इस्तेमाल में आता है। पता नहीं कितनी चढ़ाई होगी आगे, हालत ख़राब होने वाली है आज। तो दोस्तों बाकी के लोग आगे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुश्किल ही मिलेंगे काफल, यहाँ के गांव के लोगों ने बोला कि यहाँ काफल है ही नहीं, तो हो सकता है कि हमें दूसरी जगह जाना पड़े। किस्मत ही ख़राब है, लास्ट टाइम भी क्या नहीं मिले, आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। एक दूसरा जंगल है वहाँ जाएंगे, एक बार रास्ता देख रहा हूँ। इस पेड़ पे भी दोस्तों कुछ भी नहीं है, अभी नीचे जा रहे हैं एक बार, लास्ट मतलब लास्ट बार एक बार नीचे चेक करने जा रहे हैं। मिलते हैं तो ठीक है, वरना अपने जंगल ही जाना पड़ेगा। हले देखो दोस्तों ऐसे, ये लुसा बोलते हैं इसको, लुसा बोलते हैं। ये यहाँ से निकलता है नीचे, और ये दिखाया था मैंने आपको ऊपर, ये कोलतार के काम में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब पेड़ों पे यही लगा हुआ है, इस वाले पे भी है, पीछे भी बहुत सारे पेड़ थे। तो दोस्तों यहाँ से हम फाइनली ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ है ही नहीं काफल, तो हमें अपने जंगल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ भर के ले जा रहे हैं ये लुस को, क्योंकि इससे आग भी बड़ी खतरनाक लगती है। पैर जो फट जाते हैं ना उसमें दवाई का भी काम आता है, और भी बहुत चीज़ें बनती है इससे, जैसे गम हो गया, इसका हम सारा खून ले लेते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे सिस्टम बना रखा पूरा, काट के अटका के फिर ये इसमें जाता है पूरा। मतलब मैं समझा नहीं क्यों, मतलब जलाने के लिए, मरने के बाद। पांडव जो है अज्ञातवास के बाद आए ना, तो उसमें कृष्ण बोलता है कि एक ग्राम दे दो पांडवों को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन क्या होता है, नहीं मानता है। उसके बाद दुर्योधन कहता है कि कुछ नहीं दूंगी, लेकिन जब शकुनी बोलता है कि अगर तू नहीं देगा तो लोग बातें करेंगे और तेरे को एक अच्छा राजा नहीं मानेंगे। उसके बाद शकुनी एक षड्यंत्र रचता है कि
एक काम करते हैं हम लोग, इनको महल बनाएंगे, तो कोई एक लाख का महल बनाने वाला ढूंढते हैं वो कारीगर। तो एक भव्य महल बना था बहुत बड़ा, दिखने में बहुत सुंदर रहता बाहर, लेकिन पांडव को पता नहीं होता है लाख का महल है। अच्छा, तो उनको जला के मारने के लिए, ताकि अगर हम आग लगाएंगे तो सारे वहीं मर जाएंगे पांडव, और हमको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा संपत्ति में से। तो दोस्तों बड़े टाइम के बाद देखो एक काफल का दाना मिला चखने के लिए। तो दोस्तों बड़ी मिन्नतों के बाद थोड़े से काफल मिले हैं इस पेड़ पे, अब इस पे चखने ही पड़ेंगे, ले जा दो इन सबके घर। बस भाई फांगी फांग तोड़ रखे सबने। पहले भैया अपनी भरूंगा मैं, तब आपकी भरूंगा। क्या अपनी भरूंगा? एक तो मेरा भर देना, बोलो ले काटो। ये नीचे गए भाई, इनको मिल गया तगड़ा। भैया चलो हम भी चलते हैं। हाँ खाली दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फिसलन हो रखी है इस पिरोल के चक्कर में, और बहुत ख़तरनाक जगह गया था बीच में, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ। पूरी ढलान ऐसी थी कि नीचे गिर गए तो बस गए काम से। अभी बाकी के सारे लोग इधर उस वाले पेड़ पर हैं, और बहुत कम काफल हैं यहाँ पर, जितना भी है पहले के मुकाबले हैं तो थोड़े बहुत। देखो सबसे ज़्यादा काफल दोस्तों भाई ने टीपे हैं, सबसे ज़्यादा काफल। क्या बोलो, काफल के लिए आए थे अमेज़न के जंगलों में, पूरे से पश्चिम की ओर पूरा जंगल काफल का। मिलेंगे दोस्तों आज भी काफल, जाएंगे हम अभी घनिया वो उधर मच्छी ताल का, तो यार चलते हैं फिर अब। तो दोस्तों यहाँ पे अब निकल गए हम रोड की साइड। ए आराम से भाई, तेरे को बोल रहा हूँ क्या पता मैं ही गिर जाऊँ। तो खतरनाक हो ही रखा है यार, साल तो नहीं इसमें रुकता ही नहीं आदमी। हाँ इसमें रुकता ही तो नहीं है। इसकी आँख नीचे तो देखते ही डर लग रहा है। ओ भाई क्या रास्ता है ये, पीछे और खतरनाक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा खा पी लिया सबने, अब यहाँ से ऊपर जंगल में जा रहे हैं, यहाँ चांद से मिल जाए। कहाँ? हाँ हाँ तो देखते हैं दोस्तों मिलते हैं कि नहीं मिलता है काफल। दोस्तों ये एक जंगली फल मिला है यहाँ पे, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है। काला हो जाता है लेकिन काफी मीठे होते बाद बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जंगल में काफ़ी ज़्यादा जंगली फल होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, अभी पहले पता होगा पर अब धीरे धीरे ना सब बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आगे किसी ने बताया नहीं किससे क्या होता है। ये तिल मोड़ी हैं, ये तो खट्टे होंगे, ये हरे हैं ना, अगर काले होते तो मीठे होते। तो दोस्तों देखो कैसे जंगल में जा रहे हैं हम अभी, रास्ता देखो नीचे हालत ही ख़राब हो गई है, पता नहीं अभी तो उसका 10 गुना चल रहा है हमें। तो दोस्तों ये काफल ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, घने जंगलों में जाना पड़ता है, बारिश भी काफ़ी आई है 2-3 दिन से, तो झड़ भी गए होंगे। भाई यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा है काफल की, भाई ने सबसे ज़्यादा टीपे हुए ये देखो दोस्तों, बस इतना ही है सबके, एक भाई के हैं बस थोड़े बहुत, तो भी बांटने हैं ज़्यादातर। ये देखो दोस्तों इसमें भी देखो थोड़े से ही काफल हैं, छोटी सी बाल्टी है, और ये पत्ते जा लेकर आ रहा है। टाइम नहीं मिला, सब छोटा छोटा भर के ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा। प्रियांशु ने तो खा लिया पूरा, अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं, फिर चलते हैं घर को। हाँ तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा एक बार लास्ट टाइम एक जगह पे जाके चेक करते हैं, उम्मीद तो है नहीं। अरे इस पेड़ पे है बिट्टू, आ गया फॉर्म में।
भाई इस पे हैं थोड़े बहुत यार। दोस्तों इतने खतरनाक रास्ते पे जाके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ से है तो थोड़ा बहुत ओह शिट। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ रोड पे और काफल ना के बराबर मिले हैं। एक एक मुट्ठी मतलब दो तीन मुट्ठी मिले गिनती की। तो दोस्तों अभी हालत ख़राब हो चुकी है, किसी को भी काफल नहीं मिले, सबके चेहरे देखो कैसे उलके हैं। काफ़ी थक गया हूँ, खाना खाऊंगा, थोड़ा नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, तब मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों जब से आया हूँ तब से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, लगातार 3 घंटे हो गए होंगे और उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मुझको थोड़ी नींद आ गई थी। आधे घंटे पहले उठा हूँ, थोड़ा काम ख़त्म किया अपना। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि आज भी काफल नहीं मिले, बट क्या करें, कोशिश तो हमने पूरी करी थी। 2 जंगलों में गए हम, फिर भी हमें काफल नहीं मिले, बट कोई नहीं, जो होता है वो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।